शराबी का इलाज कैसे करना, हमारा व्यक्ति या मेरा पति बहुत शराबी है और उसकी शराब छुड़वाने की है करके बहुत लेडीज अपने हस्बैंड को एक तो लेके आती है या अकेले आती है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम आज हमारे देश में है। आइए मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त न्यू महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। शराब पीना ये तो बहुत ही आम हो गया है, अभी बहुत कॉमन, बहुत नेचुरल हुआ है। स्टैटिस्टिक्स ऐसा बोलता है कि हमारे देश में 21% लोग, 21%, मतलब हर 5 में से एक व्यक्ति शराब पीता है पुरुष में, और हर 100 में से 2 लेडीज शराब पीती है। बहुत ज़्यादा प्रमाण है जो आंकड़े बाहर आए हुए, इतना ज़्यादा है। और अच्छे घर के लोग अच्छी शराब पीते, मतलब इंग्लिश शराब पीते, फिर जैसा जैसा पैसा खत्म होते जाता है वैसा वैसा फिर देशी पीते हैं, और जैसा और पैसा खत्म हो गया तो फिर हाथ भट्टी की पीते हैं और आखिर में मर जाते हैं। अमेरिका में 12 में से एक पुरुष शराबी है, बहुत ज़्यादा आंकड़ा है, और 4 में से एक स्त्री शराबी है अमेरिका में, बहुत ज़्यादा आंकड़ा है। और हर साल अमेरिका में 88,000 लोग शराब से मरते हैं। हमारे देश का आंकड़ा, पॉपुलेशन ज़्यादा है, 16 करोड़ लोग हमारे देश में शराब पीते हैं। 16 करोड़, ये आंकड़े पुराने हैं 2022 के, 16 करोड़ लोग, और 25 लाख लोग एडिक्ट है, व्यसनी है। अब ये तो रिपोर्टेड आंकड़े हैं, ये तो रिपोर्टेड है, जो रिपोर्टेड है, रिपोर्ट किया ही नहीं है ऐसे कितने बड़े होंगे, ये तो ऑफिशियल आंकड़े हैं। कितना ज़्यादा प्रमाण है। जो लोग ऐसा बोलते कि नहीं, हम तो सोशल ड्रिंकर है, कभी कभी पीते हैं, हफ्ते में एक बार पीते हैं, ऐसा बोलने वाले 6 में से एक व्यक्ति शराबी बन जाता है जैसा टाइम आगे बढ़ता है वैसा। मेरे हॉस्पिटल में, हमारे यहाँ ओपीडी में करीब करीब 2 से 3 लोग रोज एडिक्शन, शराबी है उसके लिए आते हैं, डेली ज़्यादा ही आते हैं कभी कभी, और फिर एडमिट होते हैं, उनका इलाज करते हैं। क्या होता है कि शराब पीने वाला एडिक्ट जब होता है तब उसको ये लगता है कि नहीं, मैंने शराब छोड़ना चाहिए, उसकी उसकी मन से इच्छा होती है, दिल से वो बोलता है, मगर वो कब बोलता है, वो सुबह बोलता है कि नहीं मेरे को छोड़ना है, कल मैंने वो धिंगाड़ा किया। मगर जैसा जैसा समय निकल जाता है आगे, दोपहर होती है, शाम होती है, तो उसके जो पैर है वो धीरे 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 शराब की दुकान की ओर या बार की तरफ चले जाते हैं। उसको क्रेविंग आना शुरू हो जाता है, ब्रेन को वो उतना चाहिए ही चाहिए, वो डोपामिन सिक्रीशन, सेरोटोनिन सिक्रीशन जो ब्रेन में होता है शराब के बाद में, वो उसको किक मिलती है, वो उसको चाहिए चाहिए। और वो जो नहीं मिलता है तो वो फिर कोई सुनता नहीं है, फिर कैसा भी करेगा, कोई जुगाड़ करेगा और जाके पी के आएगा, बोलता है कि मेरे कंट्रोल में मेरा दिमाग है नहीं। फिर कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं तो शराब जब चाहे तब छोड़ दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा बोलते मगर छोड़ते कभी नहीं है। कुछ लोग बोलते मेरे से छोड़ा नहीं जाता है, मेरा इलाज करो, इसलिए कुछ लोग खुद होके आते हैं, इलाज करते हैं बेचारे, और इलाज करके अच्छे भी हो जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मैं शराब, मतलब इलाज करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो कभी भी छोड़ सकता हूँ वगैरह वगैरह, कभी छोड़ेंगे नहीं। कुछ लोगों को उनकी औरतें, उनकी पत्नी या उनके घर वाले ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के लाते हैं कि भाई इनका इलाज करो, और वो भर्ती होने को तैयार रहता नहीं है, एडमिशन करने को तैयार नहीं है, भागो भाग करता है, बाहर जाता है, दौड़ता है कि भाई मेरे को शराब होना, मेरे को छोड़ना ही नहीं। वो वायलेंट हो जाता है, मारपीट करता है, अपने आप को मार लेगा, चक्कू मार लेगा, तो साइकोटिक हो जाता है, उसको फिर हमको पकड़ना पड़ता है, इंजेक्शन देना पड़ता है, ज़बरदस्ती एडमिट करना पड़ता है, और उसको डिटॉक्स करना पड़ता है, डिटॉक्सिफिकेशन। अब जो ऐसे पेशेंट को, जो मर्जी से आया हो या बिना मर्जी का भी आया हो, क्या होता है कि उसको हाथ कांपना, भूख लगना शराब की, खाना खाने की इच्छा नहीं होना, उल्टी होना, नींद नहीं आना, और फिर आवाज़ आना कानों में, कोई तुम्हें आ रहा, कोई बुला रहा है, कोई चित्र देखना, नींद बिल्कुल नहीं आती है, रेस्टलेस हो जाता है, और फिर उसमें भागम भाग करना मतलब करता है कि मेरे को शराब होना, तो उसमें उसको हमको सेडेट करना पड़ता है, सेडेशन देते हैं, उसको सुला के रखते हैं। क्या होता है कि शराब पीने से सब उसके विटामिन शरीर के गायब हो जाते हैं, क्योंकि शराब ही पीता है, खाना खाता ही नहीं है, तो विटामिन के इंजेक्शन शुरुआत करनी पड़ती है, नींद की दवाई देना पड़ता है, खाना खाता नहीं, उल्टियाँ हो रही है तो उसको सलाइन दो, ऐसा करके उसको कम से कम 96 आवर्स, मतलब 4 दिन लगते हैं उसको सेटल करने के लिए। पहले 4 दिन बहुत महत्व के रहते क्योंकि उसमें वो अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम, डिलीरियम ट्रेमस जो बोलते हैं, वो 4 दिन में आ सकता है। ये समय में उसको फिट भी आ सकती है, फिट, और फिट आके वो गिर सकता है, बेहोश हो जाता है, तो उसका भी इलाज फिर हमको करना पड़ता है। पहले 4 दिन निकल गए एक बार, फिर वो ज़रा होश में आता है कि नहीं अभी मुझे ठीक लग रहा है, अभी मैं खाना भी खा रहा हूँ, नींद भी आ रही है, सब कुछ ठीक है, और मेरी भी छोड़ने की इच्छा है, ऐसा बोलता है। मगर हम ऐसा बोलते हैं कि वंस एन अल्कोहलिक इज ऑलवेज एन अल्कोहलिक, एक बार अल्कोहल चालू किया तो जिंदगी भर अल्कोहलिक ही रहेगा। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि अल्कोहलिज्म या अल्कोहल एडिक्शन एक बीमारी है। जैसे डायबिटीज का इलाज
जिंदगी भर करना पड़ता है, वैसा अल्कोहलिक का इलाज जिंदगी भर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक बार इलाज करने के बाद में वो कब उसका पैर फिसल जाएगा और कब फिर से चालू करेगा वो बोल नहीं सकते। तो इसलिए क्या करना होगा, कंटिन्यूस उसको ग्रुप्स में रहना है, अल्कोहलिक एनोनिमस के ग्रुप से उसमें रहना है, काउंसिलिंग करना है, साइकोथेरेपी करना है, हिप्नोथेरेपी करना है, और हम दवाई देते हैं उसमें नेल्ट्रॉक्सन है, अकैम्प्रोसिड है, डायसल्फिराम है, ये दवाई लेता है तो उससे फ़ायदा होता है। देखो डायसल्फिराम ऐसी दवाई है कि उसमें वो गोली तो लेता ही है, गोली से कोई नुकसान नहीं होता, मगर शराब यदि उसके ऊपर लेता है तो उसको ज़ोर से रिएक्शन आती है, उसका बीपी कम हो सकता है, पसीने छूट सकते हैं, घबराहट हो सकती है, उल्टियाँ हो सकती है, लाल शरीर हो सकता है, उसको रिएक्शन आती है, और फिर रिएक्शन आती है करके वो पीता नहीं है। मतलब जो लोग जो ऐसे है कि नहीं नहीं मुझे ना छोड़ने की इच्छा है मगर क्या करूँ एकदम ऐसा अचानक लगता है कि जाके पीना चाहिए, तो उनको मालूम है मैं गोली ले रहा हूँ, ऐसा अचानक जाके पी नहीं सकता, मुझे यदि पीना है तो गोली बंद करनी पड़ेगी। नेल्ट्रॉक्सन जो गोली है तो वो गोली शराब पीने के बाद में जो खुशी मिलती है वो खुशी बंद कर डालती है, इसलिए नेल्ट्रॉक्सन लेना। अकैम्प्रोसिड जो गोली है वो गोली खिलाए तो जो क्रेविंग है भूख लगती है वो भूख नहीं लगने देती, ऐसा उसका इलाज करना बहुत जरूरी है। इलाज हो सकता है मगर वो खुद तैयार रहता नहीं है व्यक्ति, घर वाले बोलते हम क्या करें, और जब बर्बाद हो जाते हैं ना फिर लाते हैं। शराब पी पी के उसका लीवर खराब हो जाता है, शराब पीकर उसका दिमाग खराब हो जाता है, याददाश्त निकल जाती है, और एकदम खराब अवस्था में जब लाते हैं तब वो आखिरी की घड़ी गिनते रहता है, और उसमें फिर क्या उसको इलाज करने जाओ तो कुछ भी उसको नई बीमारी चालू हो जाती है और वो खड़ाक खड़ाक से खलास हो जाता है। तो इतनी राह मत देखना, जल्दी आ जाना। शराबी अल्कोहल ये डिसीज़ है, ये मानसिक बीमारी है, ये मानसिक बीमारी है। जब मेरे पास में कोई बोलता कि जाओ डॉक्टर केड़ेकर के पास में जाओ इलाज करो, तो शायद बोलता मैं क्या पागल हो गया क्या, मेरे को वहाँ लेकर जा रहे हैं। वो पागल नहीं तो क्या है, तो पागल ही है जब तुझे ये समझ नहीं रहा है कि भाई मैंने शराब नहीं पीना चाहिए, ये मुझे एडिक्शन हुआ है, ये बीमारी है, समझ नहीं आया तो पागल ही है एक तरह का। तो उसका इलाज करना जरूरी है। हम हमारे रिहैब सेंटर में हम एक एक महीना रखते हैं। जो रिलेटिव्स रहना नहीं चाहते हैं पेशेंट के साथ में, क्योंकि रोज झंझट रोज झगड़ा वहाँ भर्ती रह के, तो उसको अलग रखो भाई, एक महीना रहता है वो बिना रिलेटिव का, खाना पीना साइकोथेरेपी सब उसको करवाते हैं, एक महीने बाद लेके जाते हैं, दवाई एक साल तक देते हैं तो उसकी शराब छूट जाती है। तो ये अल्कोहल डी एडिक्शन का प्रोग्राम है, डी एडिक्शन हो सकता है, इलाज हो सकता है, और वो करना बहुत जरूरी है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सभी लोगों को शेयर करो। आजकल फैशन हो चुकी है कि शराब पीना बोले तो कुछ लगता ही नहीं लोगों को, बियर बोले लोग तो बियर तो बोले वो शराब है नहीं ऐसा बोलते हैं, और चार लोग बैठे हैं तो शराब तो पीना ही चाहिए, वो तो एक स्टेटस सिंबल भी हो गया है, और जितनी महंगी आप पियेंगे उतने आप ज़्यादा अमीर दिखते हैं। तो ऐसे इसमें फिर क्या बताना, लोग कब एडिक्शन उसका कन्वर्शन हो जाएंगे और कब एडिक्ट बनेंगे वो बोल नहीं सकते हैं, इसलिए शराब पीना ही नहीं चाहिए। शराब पीने से और भी सेक्स के ऊपर असर होता है, लोगों का सेक्स लाइफ खराब हो जाता है। अल्कोहल इंक्रीज द डिज़ायर बट टेक्स अवे द परफॉर्मेंस, मतलब इच्छा बहुत होती है शराब लेने के बाद में मगर कर नहीं सकता है, तो ऐसे भी प्रॉब्लम तैयार हो जाते हैं, मानसिक बीमारियां होती है और अल्टीमेटली मृत्यु है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये लोगों को शेयर करो ताकि काफ़ी सारी जानें बच जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।